हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्थ्रोपोडा का जो सेकंड सेक्शन है जिसमें हम टाइप ऑफ कंपाउंड आइस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने विजन ऑफ इंसेक्ट का पार्ट वन जो है वो किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल आई है, कंपाउंड आई है, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलती है। तो आर्थ्रोपोडा में हमने देखा कि विजुअल ऑर्गन जो है वो आईज होती हैं। सिंपल आई हो सकती हैं, जिसमें डोर्सल ओसिलाई बोल देते हैं, लेटरल ओसिलाई जिसको स्टिमेटा बोल देते हैं। कंपाउंड आईज जो हैं उनमें जो स्ट्रक्चर है वो एक लेंस होता है जिसको कॉर्निया कहा गया था, जिसके अंदर कॉर्नियाजन सेल्स होते हैं जो कि कॉर्निया को सिक्रीट करते हैं, क्योंकि कॉर्निया जो है वो मोल्टिंग के दौरान जो है वो शेड आउट हो जाता है। फिर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन कोन है जिसके चारों तरफ जो है कोन सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर लाइट सेंसिटिव विजुअल सेल्स होते हैं जिसको जो वास्तव में लाइट को जो है रिसीव करते हैं, रिसेप्टिक जोन, जिसमें रेबडम और रेटिनुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेटिनुलर सेल, अगर ध्यान हो आपको, ये आपस में फ्यूज करके कॉमन सिंगल रेबडम बना देते हैं और वहां से वो एक्सोन के थ्रू जो है वो ब्रेन तक मैसेज को ले जाते हैं। पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने देखा प्राइमरी पिगमेंटेड सेल्स हैं जिनको आयरिस बोला गया था, जो कि प्रॉक्सिमल रीजन के अंदर जो हमारा क्रिस्टलाइन कोन है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और रेटिनल सेल जो होते हैं वो सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जो कि रेबडम के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये एक कंसाइज सा स्ट्रक्चर था जो हमने कंपाउंड आई का पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि कंपाउंड आई की क्या क्या टाइप हो सकती है। अब आप देखेंगे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसी इमेज बनती है। दो तरह की इमेज बनती हैं, तो उनको हम टू टाइप ऑफ आईज में डिवाइड कर देते हैं। सुपरपोजिशन आईज, जिसको स्कोप्टिक आई बोल दिया जाता है। एपोजिशन आईज होती हैं, जिनको फोटोप्टिक आई बोल दिया जाता है। सुपरपोजिशन आई, स्कोप्टिक आईज जो होती हैं, वो ज्यादातर जो क्रेपस्कुलर एनिमल्स हैं जो कि ट्विलाइट के अंदर जो है वो एक्टिव होते हैं। नक्टर्नल इंसेक्ट हैं, जैसे कि मोथ्स हैं और मैनी क्रस्टेशियंस हैं जो कि डिम मिड वाटर रीजन ऑफ द ओशन में देखने को मिलते हैं, तो उनके अंदर सुपरपोजिशन आई जो है वो प्रेजेंट होती है। इस आई का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, वही कन्वेक्स स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो है हमने देखा था ओमिटीडिया जो है हेक्सागोनल फेसेट सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है कि सुपरपोजिशन आई के अंदर जो है आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लियर जोन दिखाई देगा, ये वाला। ये जो ग्रीन रीजन है ये फोटोपिक रीजन है। ठीक है, यहाँ पर वही जो क्रिस्टलाइन कोन है, कोन सेल है, लेंस है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, कॉर्नियाजन सेल्स हैं, ये वाला जो जोन है ये इसके नीचे का जो जोन होता है इसको बोलते हैं क्लियर। ये थोड़ा वाइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और डीप लाइंग रेटिनल सेल्स लेयर होती है, ये जो नीचे रेबडम की लेयर है वो नीचे होती है, डीप लाइंग होती है। और ये यूजली कहता है कि हाफ वे होते हैं बिटवीन द सरफेस और सेंटर ऑफ द क्रिएचर ऑफ आई को अगर हम देखते हैं तो आधे में जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक तो ये मोर देन हाफ में जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो एक ये सुपर पोजिशन आई का स्ट्रक्चर है। ये आप देखेंगे प्रोटेक्टिव पिगमेंट इन लाइट अडेप्टिव पोजिशन के अंदर। ये ओमिटीडिया है, ये एक ओमिटीडिया इस तरह से ओमिटीडिया है, कॉर्नियल लेंस है, ये ओमिटीडिया है, उनके बीच में ये रेबडम प्रेजेंट है, डिफरेंट रेबडम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें क्या होता है, ये एक अपोजिशन आई की स्ट्रक्चर है, ये सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आई में आप देखेंगे कि ये आपको एक क्लियर जोन दिखाई दे रहा है। ये कॉर्निया है, कॉर्नियाजन सेल है, ऑप्टिकल जो क्रिस्टलाइन कोन है और उसके नीचे ये क्लियर जोन है।
और उसके बाद ये रेबडम प्रेजेंट है। और इसमें आप देखेंगे एपोजिशन के अंदर ये लेंस है, कॉर्नियल सेल है और ये क्रिस्टलाइन कोन है, जो कि पिगमेंट सेल के साथ क्या डिफरेंस है कि जो सुपर पोजिशन आई के अंदर जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं डिम लाइट के अंदर, क्योंकि हमने देखा ना रात के समय एक्टिव होते हैं ये एनिमल, डिम लाइट में रहते हैं, तो उनके जो पिगमेंट सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और ओमिटीडिया जो है आपस में आप देखेंगे इनमें आइसोलेशन नहीं दिखाई दे रहा, एक दूसरे से के बीच का जो गैप है वो नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी लाइट रेज आती हैं ओब्लीकली, देखिए आप देखेंगे ओब्लीक रेज जो आती है वो भी किसी मोर देन वन, आप देखेंगे इस ओमिटीडिया को भी क्रॉस कर गया, इस ओमिटीडिया को भी क्रॉस कर गया और तीसरे ओमिटीडिया के रेबडम के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ओवरलैपिंग इमेज बन जाती है। अब देखिए हर एक ओमिटीडिया से लाइट जो है आकर एक इमेज बना रही है, तो ओवरलैपिंग ऑफ इमेज होगी जिसको सुपर पोजिशनिंग ऑफ इमेज बोल देते हैं, लेकिन जो फाइनल इमेज बनती है वो हैजी होती है और शार्प बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है जिसके कारण उनको एक क्लियर पिक्चर जो है वो नहीं दिख पाती। इमेज जो बनी वो सुपर इम्पोज बनी, इसी के कारण इसको सुपर पोजिशन बोल देते हैं आई, ठीक है। रे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ जो फेसेट है ओमिटीडिया है वहां से लाइट आती है, और ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे सिंगल आई है, सिंगल चैम्बर्ड आई के अंदर जो है जब डिफरेंट रेज प्रोजेक्ट करती हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट रीजन से होती हुई रेटिना के ऊपर गिरती हैं, ये सुपर पोजिशन आई है, ठीक है। अगर आपको एपोजिशन कंपाइंड आउट जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे तो हर एक की पिक्चर जो है अपने अपने पॉइंट पर जो है वो बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ओवरलैपिंग, यहाँ इस ओमिटीडिया ने भी यहाँ पिक्चर बना ली, इस ओमिटीडिया ने भी रेज आकर यहाँ कॉमन पिक्चर बना ली, ठीक है। तो ऑप्टिकल एलिमेंट जो सुपरपोजिशन के आई के अंदर होते हैं वो एक सिंगल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, याद रखना है इरेक्ट इमेज बनती है, हैजी होती है, शार्प नहीं होती है और लोकेटेड डीप इन द आई, क्योंकि क्लियर जोन वाइड होने के कारण जो इमेज है वो डीप रेटिना के सरफेस के ऊपर बनती है। सुपरपोजिशन आई में हमने देखा नंबर ऑफ फेसेट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक इमेज को प्रोड्यूस करने में, और उसके ऊपर डिपेंड करता है मैकेनिज्म, अब जो वर्किंग है वो भी कि कैसे काम करते हैं, तो थ्री जनरल मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं। कुछ में क्या होता है कि ये लेंस जो है लेंस की तरह काम करते हैं, जो भी आई रेज आती हैं लाइट रेज जो एंटर करती हैं इस लेंस को क्रॉस करके वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे ये लाइट आई ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये लाइट आई तो ये रिफ्रैक्ट हो गई और फिर वो एक पर्टिकुलर स्पेस पर जाकर इमेज बना लेती हैं। सेकेंड मैकेनिज्म है कि जो लेंस जो कॉर्निया है वो मिरर की तरह वर्क करता है, लेंस की तरह वर्क नहीं कर रहा। अब वो मिरर की तरह वर्क करता है तो जैसे ही लाइट रेज एंटर करती हैं ओमिटीडिया के अंदर दे रिफ्लेक्ट। अब आप देखेंगे डिफरेंट एंगल से लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। थर्ड टाइप की जो पैराबोलिक सुपरपोजिशन है, न्यूरल सुपरपोजिशन आईज जो होती हैं, वहां पर जो कॉर्निया है वो बोथ लेंस और मिरर की कॉम्बिनेशन में काम करता है कि वहां लेंस की तरह जो है लाइट रिफ्रैक्ट होती हैं और मिरर की तरह लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और ओमिटीडिया से होकर जो है वो पहुंचती हैं एक्सोन और फिर लेमिना के ऊपर। सेकेंड टाइप की आई जो है एपोजिशन आई जिसको फोटोपिक आई बोल देते हैं, ये आई जो है जर्नली आप देखेंगे डायर्नल इंसेक्ट जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं उनके अंदर दिखाई देती हैं, और यहाँ पर जो भी लाइट एंटर करेगी वो रेटिना के ऊपर पहुंचेगी, ठीक है, ईच ओमिटीडिया एज ए सिंगल स्पॉट। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लाइट जो है ये लाइट कुछ
यहाँ पर पहुंच गई ऑब्लिकली, और जो बिल्कुल सीधी जा रही है ये रेटिना के ऊपर जो है वो अपनी एक इमेज बना लेती है, और सारी जो इमेजेस हैं इकट्ठी होकर एक पूरा ऑब्जेक्ट, एक पूरा, जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं भी, हम क्या करते हैं उनकी पिक्चर्स को डिफरेंट पीसेस में काट देते हैं, ठीक है, और बच्चे को बोल दिया जाता है कि आप इन पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो तैयार करो। तो इसी तरह से यहाँ भी कि हर एक ओमिटीडिया जो है एक पिक्चर का, पूरी पिक्चर का एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा स्पॉट इमेज बनाता है, और वो स्पॉट इमेज जो है जब सारे ओमिटीडिया की आपस में जुड़ जाती हैं तो एक कंपोजिट पिक्चर जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। लेंसेस जो है इसमें स्मॉल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। सुपरपोजिशन आई और एपोजिशन आई जो है, अगर उनका सुपरफिशियली आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है, आप नहीं बता पाएंगे कि ये सुपरपोजिशन है या एपोजिशन है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ग्रेट है। आपने देखा सुपरपोजिशन आई के अंदर जो क्लियर जोन होता है वो वाइड क्लियर जोन प्रेजेंट होता है, जबकि एपोजिशन आई के अंदर ऐसा नहीं होता। एपोजिशन आई जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आई है, और ये एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ में भी कंपाउंड आई के रूप में देखे हुए, एंसेस्ट्रल फॉर्म जो इंसेक्ट है उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती थी। सभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर ये एपोजिशन कंपाउंड आई देखने को मिलती है, एनिलिडा के अंदर, बाइवाल्व्स के अंदर, लिमुलस के अंदर, हॉर्सशू क्रैब के अंदर जो है हम एपोजिशन टाइप ऑफ कंपाउंड आई देखते हैं। एक टिपिकल जो एपोजिशन आई होती है उसका लेंस जो है फोकस करता है लाइट को फ्रॉम वन डायरेक्शन टू ऑन द रेब्डम, अदर डायरेक्शन से जितनी भी लाइट आती है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पिगमेंटेड सेल इसमें, जैसे सुपरपोजिशन में क्या होता है डिम लाइट के अंदर पिगमेंटेड सेल जो है वो श्रिंक हो जाते थे, लेकिन एपोजिशन आई के अंदर पिगमेंटेड सेल जो है स्प्रेड आउट होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हर एक ओमिटीडिया जो है एक दूसरे से सेपरेट होता है, कंप्लीट सेपरेशन आप में देख सकते हैं। आप ये देखेंगे ये ओमिटीडिया है, इनके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेड सेल एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और लाइट ओमिटीडिया में कहता है एक एंगल, 1 डिग्री के एंगल विजन कहा जाता है, क्योंकि लाइट रेज जो बिल्कुल डायरेक्टली रेमडम पर गिरती है, रेमडम पर जो गिरती है वही इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, अदर लाइट जो ओब्लिकली आ रही है वो लाइट जो है पिगमेंट सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वो रेमडम तक पहुंच ही नहीं पाती। इमेज जो है वो मोजाइक है क्योंकि टाइनी डॉट की फॉर्म में बनती हैं, और इन टाइनी डॉट्स को जब आप ग्रुप टुगेदर कर देते हैं ब्रेन जो है उसको मिला देता है तो एक होल ऑब्जेक्ट सिंगल पिक्चर जो है वो बन जाती है। इमेज इसमें शार्प होती है, क्लियर इमेज बनती है, इन्वर्टेड होती है, और दिस टाइप ऑफ आई जो है वो ब्राइट लाइट विजन के अंदर हेल्प करती है। अगर हम उनकी मॉर्फोलॉजी को देखें, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ आईज जो है वो देख सकते हैं, जैसे डाइकोप्टिक। डाइकोप्टिक आई के अंदर डाई का मतलब दो, यहां पर कंपाउंड आई जो है, हम सिर्फ याद रखो हम टाइप ऑफ कंपाउंड आई भर रहे हैं, तो टाइप ऑफ कंपाउंड आई के अंदर सिर्फ दो आईज प्रेजेंट है हर एक आर्थ्रोपोडा के अंदर, और ये दो कंपाउंड आई जो है लोकेटेड सेपरेटली एंड सिमेट्रिकली, अगर यहाँ इस साइज की है तो दूसरी तरफ भी उसी साइज की होगी, उनकी शेप वैसी होगी, उनकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल प्रेजेंट होगी ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइकोप्टिक आई, जो कि मोस्ट स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोडा के अंदर दिखाई देती है। अब वेरिएशन क्या आती है, साइक्लोप्टिक आई के अंदर क्या होता है कि है वही, उसके अंदर भी टू आईज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न स्पीसीज की आई है वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो जाती है आपस में इन द मीडियन प्लेन के अंदर, जैसे आर्कियोगनेथा के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये आई एक दूसरे के बहुत क्लोजली आ गई,
ठीक है। अब एक्सट्रीम केसेस के अंदर जैसे साइक्लोप के अंदर आप देखेंगे कि उसकी आई इतनी क्लोज हो जाती है कि वो फ्यूज होकर एक सिंगल आई बना लेती है, जिसको साइक्लोप के अंदर देखने को मिलती है, और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं साइक्लोप्टिक आई। होलोप्टिक आई जो होती है वो कहता है यहां पर भी टू ही आईज हैं, लेकिन उनका साइज जो है बहुत बड़ा हो गया है और उनके अंदर जो नंबर ऑफ ओमेटिडिया हैं वो भी ज्यादा हो गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो इतनी बड़ी साइज की होती हैं, मिड डोर्सल रीजन को पूरा कंप्लीटली कवर कर लेती हैं, जिसके कारण फोन्स और वर्टेक्स जो कि हेड रीजन के एरियाज हैं उनको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड आयन में देखा बड़े साइज की है, नंबर ऑफ ओमेटिडिया ज्यादा है, तो उनकी जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा होती है। मेल टैबनस लाइनियो के अंदर आप देखेंगे यही होलप्टिक कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, लेकिन उनका जो डोर्सल ओमेटिडिया होता है वो बड़े होते हैं और वेंट्रल ओमेटिडिया जो है वो थोड़े छोटे होते हैं। ये ज्यादातर डाइप्टेरन मेल स्पाइडर फ्लाइज के अंदर देखने को मिलते। फोर टाइप ऑफ वेरिएशन आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देगी ट्राइबोलाइट्स के अंदर, जिनको ट्राइबोलाइट आई बोल देते हैं। ये भी फर्दर थ्री फॉर्म में आप देख सकते हैं, होलोकोरियल क्रोअल आईज हैं, स्काइजोकोरल आईज हैं, बैथोक्रोरल आईज हैं। होलोक्रोरल आईज के अंदर जो लेंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके नंबर जो है वो ज्यादा होते हैं, वो 15,000 तक उनके जो लेंस जो है वो हो सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ आई है जो कि ट्राइबोलाइट के अंदर देखने को ट्राइलोबाइट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। लेंस जो होते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे लेंस जो है वो ये कंपोज्ड ऑफ कैल्साइट से बने होते हैं और ये कर्व कवर करते हैं, ये इस कर्व्ड हेक्सागोनल पैकिंग क्लोज पैकिंग सिस्टम को कवर कर लेते हैं। ये लेंसेज हैं, ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग सिस्टम के ऊपर सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो हैं एक सिंगल कॉर्नियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। अब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इनके बीच में कोई स्क्लेरा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और इनके सिंगल कॉर्निया जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कवर ऑल लेंसेस, ठीक है, सभी लेंसेस को एक ही कॉर्निया जो है वो कवर करता है, और कॉर्नियल मेम्ब्रेन जो है सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। आप ये देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर जो ये कॉर्नियल मेम्ब्रेन है, ये इसके लेंसेस हैं। स्काइजोकोरल क्रोल आई जो होती हैं उसमें कहता है नंबर ऑफ लेंसेज जो है थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन साइज जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे साइज जो है बढ़ जाता है लेकिन नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर एडजेसेंट लेंस जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वन अनदर और उनका अपना एक कॉर्निया होता है। ये लेंस है, अब ये लेंस दिख रहा है और इसका ये अपना एक कॉर्निया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने होलो क्रोअल आईज में देखा कि हेक्सागोनल लेंसेज हैं, कवर्ड होते हैं विद सिंगल कॉर्निया के द्वारा। यहाँ पर हर एक लेंस जो है अपने नेबर लेंस के द्वारा एक सेपरेशन होता है स्क्लेरा का, जो कि डीप होता है। आप देखेंगे नीचे तक चला गया, ये लेंस से भी नीचे डीपली एक्सटेंड कर जाता है, जो कि कॉर्नियल मेम्ब्रेन को एक एंकरिंग प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जो कॉर्निया है वो भी कहता है डाउनवर्ड, जो कॉर्नियल मेम्ब्रेन होगी वो भी कहता है स्क्लेरा के नीचे डाउनवर्ड चली जाती है और इंटरस्क्लेरल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। अब लेंस का शेप है वो डिपेंड करती है क्यूटिकल की थिकनेस के ऊपर, कि क्यूटिकल अगर थिन है तो लेंस भी थिन होगा, बाई कन्वेक्स होगा। अगर क्यूटिकल थिक है
तो लेंस जो है वो भी ठीक होगा। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आउटर सरफेस जो होता है वो थिक फ्लैटेंड हो जाता है और इनर सरफेस जो है हेमी स्फेरिकल हो जाता है। और थर्ड टाइप की जो ट्राइलोबाइट्स के अंदर आई देख सकते हैं, दैट इज अ बेथोक्रोअल आई। और ये कहता है ईओडिसीनिया के अंदर देखने को मिलती है, और इसमें कहता है कि नंबर ऑफ लेंसेज जो है और भी कम हो गए 70, और साइज जो है वो भी स्मॉल हो गया, छोटा हो जाता है। कॉर्निया सेपरेट करता है ईच लेंस को, और स्क्लेरा जो है ईच लेंस में टर्मिनेट हो जाता है। वो आप यहां पर देखेंगे, ये लेंस है एल, इसके ऊपर ये कॉर्निया है, और कॉर्निया जो है यहां जहां से स्क्लेरा शुरू हुआ वहां पर एंड हो जाता है। यहां पर हमने देखा था डीपली चला जाता है, यहां पर जो कॉर्नियल मेम्ब्रेन है, वन कॉर्निया पर लेंस है, यहाँ भी वन कॉर्निया पर लेंस है, लेकिन यहाँ पर सभी लेंस के ऊपर जो है वो सिंगल कॉर्निया प्रेजेंट था। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्लेरा है वो ज्यादा डीप नहीं जाता, लेंस के ऊपर ही रहता है, और कॉर्नियल मेम्ब्रेन जो है वो एंड हो जाती है लेंस के एज पर। ठीक है, तो ये तीन तरह की जो आपने आई ट्राइलोबाइट्स के अंदर देखी उनका क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हमने देखा स्क्लेरा जो है ईच लेंस का टर्मिनेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच कॉर्निया, ज्यादा थिक नहीं होता, यहाँ पर थिक होता है, यहाँ पर स्क्लेरा जो है वो एब्सेंट होता है। लास्ट टाइप जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है वो फैमिली है जिरिनिडे। ये जिरिनिडे के अंदर जो है अडल्ट जो है वो रहते हैं वॉटर के सरफेस के ऊपर, तो उनकी दो कंपाउंड आई, देखिए डाई कॉप्टिक आई हमने पढ़ी, सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर दो कंपाउंड आई प्रेजेंट है, वो किस तरह की है, साइज में कैसी है, उनका शेप कैसी है, वो कितने पोजीशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो जिरिनी डी है उनके अंदर फैमिली के अंदर टू कंपाउंड आईज होती है, लेकिन वो चार हिस्सों में बढ़ जाती है। टू जो हाफ है, टू हाफ जो है उसका टू जो है वो अंडर वाटर विजन में हेल्प करता है, और टू जो है वो विजन इन एयर में। आप यहाँ देखेंगे ये इसकी कंपाउंड आई है, इसके फोर टू पार्ट हो गए, एक साइड की आप देख रहे हैं ये जो कि सरफेस आई कहलाती है और सबमर्ज्ड आई कहलाती है। यहाँ पर अगर आपको उसका व्यू देखना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे डोर्सल पोर्शन दिख रहा है राइट आई का, और वेंट्रल पोर्शन दिख रहा है राइट आई का। इस तरह से लेफ्ट आई के भी दो पोर्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड आई, उनकी कैसी इमेज बनती है, एपोजिशन आई और सुपर पोजिशन आई, और उनकी मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि वो डाइकॉप्टिक हो सकती हैं अगर सिंपल टाइप की हैं, साइक्लोप्टिक हो सकती हैं, होलोप्टिक हो सकती हैं। इसके अलावा हमने ये जेरेनी डेई के अंदर देखा किस तरह की वेरिएशन देखते हैं, और ट्राइलोबाइट्स के आई को हमने देखा। तो थैंक यू, अगर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड आई कैसे वर्क करती है और कलर विजन उनके अंदर कैसा होता है उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।